इसी वीडियो में हम आपको आज एक बहुत ही प्यारा सा गुड न्यूज मैं आप लोगों को देने जा रहा हूँ बहुत ही अच्छी तरीका से, तो वीडियो में आप आगे कंटिन्यू बने रहे। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कमल नैन ब्लॉग्स में आप सभी को वेलकम करती हूँ। आई होप कैसे हैं, उम्मीद करता हूँ मस्त और स्वस्थ होंगे। अभी दोस्तों सुबह का टाइमिंग हो चुका है 6:30 हुआ है और अपनी ब्लॉग को स्टार्ट कर दिया हूँ। और अभी मैं हूँ, हम लोग बैठे हुए सोफा पे, ठीक है। और आज का ब्लॉग बहुत ही शानदार, बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है दोस्तों, तो पूरी कंटिन्यू वीडियो के अंदर में आप लगातार बने रहे। तो आज का कुछ आइटम्स बना रही, क्या बना रही, सबसे पहला सिनेरियो आप इनसे जानिए, सबसे पहला खाना में बना क्या रही है, तो इनसे जानते क्या बना रही हो। चावल, करेला का सब्जी और आलू खजूर और रोटी। तो सुन लिए दोस्तों, तो दिखाते हैं क्या बन, शुरू हो गया बनने के लिए। चलिए तो अभी बस दिखाता हूँ क्या है इसमें। देख लीजिए दोस्तों, मम्मी ये इतना पेड़ा बनाई है, आज वाला आलू है, फ्रिज में रख दी थी ना। आलू किस लिए रखी थी फ्रिज में, तो इसके चलते ना। इसमें आलू हो गया दोस्तों, देख सकते हो उधर में हो गया करेला, इधर में कट गया सब प्याज, और भी क्या बन रही है, चावल, चावल बन रहा है, चावल अति बन गया। चाय है, चाय दे दो ना, हम भी चाय पी लेते हैं, गरम कर दो। चाय बन गया, वाह उधिया रहा है, देख सकते हैं। है 11600 रुपया मात्र, हाँ हाँ 10,000 थोड़ी ना। अरे का ही आंगनबाड़ी है बताइए तो, मतलब कि सैकड़ा हजार, 10,000, 10,000 में 10,000 होता है, एक ज्यादा है 11600। अरे बाप, गरम भी है लेतने की। तो अभी मम्मी का कागज भरना है, आंगनवाड़ी का फॉर्म भरवा रही है अभी, तो भरते हैं उसके बाद फिर। तो अभी है सो जाता हूँ खेत जोतने के लिए, मूंग का जो पटाए थे उसमें मूंग लगेगा एक बड़ा वाला, मैं दिखाता हूँ आपको। अभी निकलता हूँ यहाँ से, चाहिए जो नहीं पिए ना, चाय पी के निकल जाते हैं। चलो तो पापा देख सकते हैं लेकर के जा रहे हैं, तो पापा अभी लेकर के जा रहे हैं। ये हो गया 3 गो मूंग, खेत में आ चुके हैं, देख सकते हो वहाँ पे पावर टिलर उतर गया खेत में, और इतना बड़ा खेत है, ठीक है। ये लग 15 कट्ठा है, 15 कट्ठा में मूंग है तो लगेगा ये खेत में, देख सकते हैं वहाँ पे, देख सकते हैं इतना बड़ा। अभी पावर टिलर से भी जोतेंगे, उसके बाद है जो उसके अंदर में मूंग लगेगा। हम जाते हैं अब जोत देते हैं, और पापा है सो मूंग लगा देंगे। जो देख सकते हैं जुता गया है, तो सूरज भगवान दोस्तों निकल चुके हैं, और अभी पापा हैं जो खेत को जोत रहे हैं। अभी मैं जा रहा हूँ, ब्रश व्रश करता हूँ, चाय वगैरह पीता हूँ, कुछ नाश्ता वगैरह करके, उसके बाद है जो फिर खेत में आएंगे, उसके बाद पापा है जो फिर जाएंगे दोस्तों। उधर में घर दिख रहा है, इसमें है जो मूंग देखिए लग गया है, ये तो फूज भी गया, देख सकते हैं, ये देख सकते हैं मूंग इतना बड़ा बड़ा हो गया, ये सारा मूंग को आप देख सकते हैं बड़ा बड़ा हो गया है। मम्मी का कागज है जो भरा गया है आंगनवाड़ी का, और इधर मैं देख सकती हूँ झोर बना रही है, झोर बना रही हो, आलू बुथा रहा है, आलू मैं जा रहा है, हो गया कंप्लीट। वाह चावल बन गया ना, चावल कर रहा है,
थक गए होंगे। तो दोस्तों जा, अभी मम्मी बोल रही कि कागज भर आएंगे। दोस्तों ये नाश्ता कर लिया हूँ और पापा है जो इधर में पूरा खेत को जोत दिए हमको आते आते ही, तो आपको दिखा देता हूँ। तो ये देख सकते हैं पूरा है, जो आधा हम जोते थे और आधा है जो पापा जोत दिए। तो पूरे इसके अंदर में पूरा है सो मूंग है सो लग गया। अब शाम में हो सकता है उस खेत में मतलब कि पावर टिलर चलेगा, वो जो दिख रहा है ठीक है, वो भी पटा हुआ है तो उसमें भी हाल हो गया है। तो सारा खेत कंप्लीट हो गया जोता करके, अब चलता हूँ घर। काफ़ी एकदम गर्मी भी एकदम पूरा एकदम तब रहा है एकदम पूरा। जिंदगी की तलाश खड़ू हमें। तो फाइनली दोस्तों स्नान सब सब कंप्लीट हो गया है और खाना भी खा चुके हैं और धारावाहिक एक जो काल्पनिक घटना है उसको देख रहे थे। श्री कृष्णा बहुत ही अच्छा लगता है तो देता है, तो उसको कहानी को सुनते कुछ जीवन में सीख भी मिलता है उसको देखने से। तभी लाइट है जो कट गया है तो ये बंद हो गया टीवी। और इधर में आप देख सकते हैं, इधर में देख सकते हैं कबूतर ऐसा बैठा हुआ है, ये सिंगल बैठी हुई है। और उधर दिखाता हूँ आपको, तो वहाँ देख सकते हैं एक यहाँ बैठा हुआ है, एक है जो अंदर में बैठा हुआ है और दो को एक साथ दोनों साथ मिलकर बैठा हुआ, और दो को बच्चा है जिसका नाम ओजी और रॉक्सी रखें। मैं आपको दिखाता हूँ कितना बड़ा हुआ है। तो ये वाला डिब्बा के माध्यम से चढ़ जाते हैं ठीक है, और देखते हैं कि कुछ रोम उसके अंदर में बड़ा हुआ है कि नहीं हुआ है जो। तो भाई अभी चढ़ गया हूँ ऊपर में और वाह बहू खाता हूँ। इतना तेजी से इसका पंख है जो बढ़ रहा है ना, बहुत तेजी से इसका पंख बढ़ रहा है। वाह वाह वाह, पंख है जो शायद करिया करिया ही दिख देख सकते हैं। तो ओजी और रॉक्सी को देख करके उतर गया नीचे, अभी बड़ा होगा उसके बाद, अब मुश्किल से एक सप्ताह के अंदर में वो, उसके बाद फिर ट्रेनिंग देना शुरू करेंगे उसको। तो जानते हो बचवा है जो बड़ा बड़ा हो गया है, तो उसमें थोड़ा तेजी से मतलब कि मतलब पंख है जो निकल रहा है। क्या नाम रखी थी, क्या है क्या? रॉक्सी और ओजी, यही नाम रखी है। तो अभी देखे गए थे फिर से कि बड़ा मतलब बचवा जो है ना बड़ा, इतना बड़ा बड़ा हो चुका आप ऐसे ही एकदम पूरा करता है मतलब इतना पंखिया, और ऐसे एकदम अल्लोली लुलिया दिया, दो बार लुलिया दिया सर। अरे केलू को तुमको ट्रेनिंग देंगे तुम सब सही हो जाएगा। नहीं तो दोस्तों अभी हम लोग छत पे हैं और एक बहुत ही अभी का टाइमिंग हो चुका है दोस्तों 6 बजे है। इसी वीडियो में हम आपको आज एक बहुत ही प्यारा सा गुड न्यूज मैं आप लोग को देने जा रहा हूँ। हम लोग को शादी का साल गिरा आने वाला है, मतलब कि फर्स्ट एनिवर्सरी बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं बहुत ही अच्छी तरीका से। तो वीडियो में आप आगे कंटिन्यू बने रहे, आपको पूरी इन्फॉर्मेशन है सो मिल जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि एनिवर्सरी में सभी मेरे जितने भी फैमिली लोग हैं, प्रियंका का हो या फिर हमारा हो, सभी लोगों को लगभग हम इन्विटेशन करेंगे लोगों को, और डेट भी हम आपको फाइनल बताएंगे कि कितना तारीख को एनिवर्सरी होगा। तो अभी डेट है जो रिवील नहीं किया जाएगा। हमारा ब्लॉग के अंदर में आप बने रहेंगे तो आपको 1-to-1 करके हम डेली ब्लॉग्स के अंदर में आपको शेयर करेंगे कि कब मेरा एनिवर्सरी है सो आने वाला है दोस्तों। तो बस इसी का इन्फॉर्मेशन देने के लिए आज का ब्लॉग है, बहुत ही ज़बरदस्त समझ सकते हैं आप जो भी समझ सकते हैं ठीक है, क्योंकि 1 साल होने के बाद एनिवर्सरी जो मनाया जाता है वो जीवन का सबसे बहुत बड़ा महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि फर्स्ट टाइम दो व्यक्ति का दो
दिलों का मिलन होता है, तो हम लोग सालगिरह मनाएंगे। तो वीडियो में आप ज़रूर आप लोग प्यार दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, जो हमारा सालगिरह एनिवर्सरी जो आने वाला है। तो बस आज का ये ब्लॉग यहीं पे दोस्तों एंड करूँगा। इसी इन्फॉर्मेशन के लिए मैं आपको आज बताने के लिए आया था दोस्तों। तो आज का ब्लॉग कैसा है आप लोग कमेंट में अपना प्यार दीजिए, सपोर्ट कीजिए, राय दीजिए कि कैसा है। तो आज का ब्लॉग दोस्तों यहीं पे एंड करता हूँ। चैनल पे पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज पे वीडियो को देखते हैं तो पेज को फॉलो कीजिए। मिलते हैं फिर अगली कोई नेक्स्ट वीडियो के अंदर में। तब तक का जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।